तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। दे से ट्रेडिंग ट्रेडिंग टुगेदर क्रिएट्स अ पार्टनरशिप, बट फाइटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ ब्रदरहुड। आई एम नॉट ट्राइंग टू रोमांटिसाइज वॉर हियर, बट बॉन्ड्स मेड इन द बैटलफील्ड ऑफन लास्ट लॉन्गर, एंड ड्यूरिंग पीस टाइम दिस मीन्स डिफेंस कोऑपरेशन। लाइक पहली बात तो यह है कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है, इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह, मसला ये कि ताड़ी सुननी किसने, पाकिस्तान की किसने सुननी, कौन सुनेगा पाकिस्तान की, मुझे बताएं। मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की सुनेगा कौन? यूएई, अबू धाबी, जहां पे वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं एक और टेंपल का इफ्तिताह करने के लिए, या फिर सऊदी अरेबिया, है जी? तो मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलेबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, खबर सुन के पाकिस्तानियों को एकदम शोक लगा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के नेवी को भारतीय नेवी ट्रेन कर रही है। विजुअल्स भी निकल के सामने आ गए। और दोस्तों, पाकिस्तानी शोक में इसलिए है क्योंकि दोस्तों पहले सऊदी अरेबिया की नेवी को पाकिस्तान खुद ट्रेन किया करता। अब दोस्तों, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, यानी जो वहां के किंग है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान से ट्रेनिंग नहीं लेनी है, भारत से हम अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। भारत हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा दोस्त है। आप लोगों को पता है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन इस समय हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया ने कहा भाई हम भारतीय नेवी से ट्रेनिंग लेंगे। तो अब पाकिस्तानियों के लिए इसमें मातम का माहौल इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो सैनिक थे उसमें वो एंटी हिंदू और ये सब प्रोपेगेंडा वाली बातें भरते थे, इस्लामिक बातें, रेडिकल बनाने की कोशिश करते थे। समहाउ ट्रेनिंग देते थे तो सफल भी हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय आर्मी ट्रेनिंग देगी तो आप लोगों को पता है फिर भारतीय आर्मी ट्रेनिंग देती है तो आतंकवाद के खिलाफ ही ट्रेनिंग देती है, और आतंकवाद कौन है वो आप लोगों को पता है। तो इसीलिए दोस्तों, आतंकवाद के गढ़ में ये मातम का माहौल है कि सऊदी अरेबिया को ट्रेनिंग भारत कैसे दे रहा है, और इस्लामिक बिरादर है सऊदी अरेबिया तो भारत के पास कैसे चला गया, ये इनका रोना धोना चालू है। तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है, इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है, खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलेबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की, ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते।
ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, सऊदीज को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए सऊदीज को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वॉन्टेड इंडियंस वॉन्टेड टू हैव एन एक्सेस के जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए, दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो के बस गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज वेयर द इंडिया इज, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है पहले एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दिए दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खत्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज को ये पता है कि अगर यमन जो है उसमें सऊदीज ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेंस को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मेनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं, तो वो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हों, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए एंड देन दे हैव द कैपेसिटी, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मजे की स्टोरी सुनाओ, इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल एकेडमी में, सिंह कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर जारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे, तो वो जारी बात है उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा, वो जारी बात है। वो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है, हो सकता है 3,000-4,000 डॉलर इंडिया ने, $5,000 इंडिया ने उनसे पर हेड लिया हो, के हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिया हो, सऊदीज को कौन सा इस मामले में परवाह है पैसों की, ठीक है जी। तो ठीक है, कुछ 4-5 लाख डॉलर या $7 लाख जितना भी इनिशियली उन्होंने कह लिया होगा। फिर सऊदीज आपको पता है जो कैडेट्स हैं वो बड़े नाजों के पले होते हैं, दे आर वेरी लाइक पैम्पर उन्होंने रखा होता है उनको, सो यू हैव टू गिव देम वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनवायरनमेंट देना। वैसे ही जितने भी ममालिक होते हैं अपने ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली एयरफोर्स नेवी सारे, हमारे पाकिस्तान में भी इंडिया में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, बट जैन बादा गेस्ट हैं तो उनको जरा एक और तरीके से थोड़ी सी उनकी बेहतर वो कर लेंगे। सो दोस्तों, इसकी जलन कभी नहीं खत्म होगी इन पाकिस्तानियों की, ये खुद खत्म हो जाएंगे लेकिन इनकी जलन खत्म नहीं होगी। रही बात दोस्तों ट्रेनिंग देने की, तो भारतीय सेना ऑलरेडी कई देश के सैनिकों को ट्रेनिंग देती है, इवन दो अफगानिस्तान के सैनिकों को भी भारत ने ट्रेनिंग दे रखी है और अफ्रीकन नेशन के सैनिकों को भी भारत ट्रेनिंग देता है, कई यूरोपीय नेशन है जिनके देश के सैनिकों को भारत ट्रेनिंग देता है। सऊदी अरेबिया अभी तक पाकिस्तान को इस्लामिक बिरादर समझ के उनके इधर अपने सैनिकों को ट्रेन करने के लिए भेजता था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है, रेडिकल बनाओ। जितने भी लोग पाकिस्तानी आर्मी को मिलते हैं वो सबको रेडिकल इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस्लाम को जितना बुरा पाकिस्तानियों ने बनाया उतना बुरा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अलग अलग से फैक्टर ले आते हैं और बंदा रेडिकल हो जाता है। इसलिए भाई सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया कि हम भारत की सेना से लेंगे ट्रेनिंग। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि भारतीय जो सैनिक होते हैं भारत में ही खुद इतने सारे माहौल है,
भारत में रेगिस्तान भी है, थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल। भारत में सियाचिन के ग्लेशियर भी हैं, भारत में तटीय इलाके भी हैं। तो भारत की जो सेना है वो हर कंडीशन में लड़ने के लिए, हर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सक्षम है। इसीलिए दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि भारतीय सेना से ज़्यादा हर परिस्थिति का एक्सपीरियंस शायद और किसी भी देश के सेना को ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो समहाउ हर क्षेत्रों में मौसम सेम होता है, लेकिन भारत में 500 किलोमीटर पे कुछ और है, फिर अगले 500 किलोमीटर पे कुछ और है। जैसे तटीय इलाकों में अलग मौसम है, पहाड़ी इलाकों में अलग मौसम है, रेगिस्तान में अलग मौसम है, और क्या नाम है, बीहड़ों में अलग मौसम है। तो भारत में हर कंडीशन है, इसलिए भारत की सेना हर सिचुएशन के लिए मौजूद सक्षम है। भाई पाकिस्तानियों की तो आप लोगों को पता है, कभी TTP बजा देती है, कभी BLA बजा देती है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने कहा भाई इनसे सीखेंगे हम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए।